दोस्तों, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे हमें पता चलता है कि हम बीमार है या नहीं, हमें फीवर है या नहीं। लेकिन क्या इस चीज़ के लिए हम सभी को बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हम आज की वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं एक डिजिटल थर्मामीटर। हम इसको बताएंगे कि कैसे यूज़ करते हैं, इसी के साथ ही साथ ये भी बताएंगे क्यों हम सभी को अपने घर पे ये रखना चाहिए। तो सब कुछ कवर होगा इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टर्न टर्न। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस डिजिटल थर्मामीटर को यूज़ करने से पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो यहाँ पे जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। और बात करें यहाँ पे फ़ारेनहाइट के यूनिट में, तो यहाँ पे 97 फ़ारेनहाइट अगर है तो आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो यूज़ करना बहुत ज़्यादा ही आसान है, मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ। यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट मैंने ये पैक में से इसको निकाला, निकालने के बाद जिसको आपको ऑन करना है, ऑन करेंगे तो एक बीप करके साउंड आता है। उसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे अपने अंडर आर्म में लगा सकते हो। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पे अपने टंग में भी नीचे रख के यूज़ कर सकते हो। सो इस वीडियो में मैं अंडर आर्म के नीचे रख रहा हूँ। और यहाँ पे आपको अंडर आर्म में रखने के बाद आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है, लगभग एक मिनट के आसपास के अंदर एक बीप साउंड आपको सुनाई देगा। और जैसे ही बीप साउंड होता है उसके बाद आपको चेक करना है कि वैल्यू क्या है। तो अगर यहाँ पे अगर वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि अगर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से इस डिजिटल थर्मामीटर में, फ़ारेनहाइट में ये यूनिट दिखाई जाती है, तो यहाँ पे अगर 97 से ऊपर है तो समझ लीजिए आपको बुखार है, और अगर उससे कम है तो समझ लीजिए आपको बुखार नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, हम सभी ने देखा कि इस थर्मामीटर को यूज कैसे करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या हम सभी को ये परचेस करना चाहिए या फिर हमारे घर पे ये होना चाहिए या नहीं? तो यहाँ पे भाई सीधा सीधा जवाब है कि भाई हमारे घर पे होना चाहिए, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है और जहाँ पे पूरी दुनिया बोलते हैं ना पैंडेमिक से गुजर रही है, तो उस समय आपका टेम्परेचर कितना है ये जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको डिटेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर आपको पता होगा तो शायद आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि मुझे ये बीमारी नहीं है। तो इसके हिसाब से अगर मैं इस पैरामीटर को कंसीडर करूं, तो आज के तारीख में तो हम सभी के घर पे एक डिजिटल थर्मामीटर रहना चाहिए। और ये बहुत ही सस्ता है, मतलब आज के तारीख में अगर बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो 170 रुपये के आसपास आता है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। इसी के साथ ही साथ और भी मार्केट में ऐसे थर्मामीटर अवेलेबल है, उनकी अगर लिंक्स मिली तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अलग अलग टाइप भी आते हैं, जैसे एक मर्क्यूरियल आता है, और एक आप यूजुअली आप डीमार्ट वगैरह में अगर जाते होंगे तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना एक बंदूक के जैसा होता है, वो वाला भी थर्मामीटर अवेलेबल है। तो ये अलग अलग टाइप है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे सस्ता और इजीली, और आप इसको इजीली आप कैरी भी कर पाओगे, मतलब इतना छोटा सा कि आप पॉकेट में रख के ट्रैवल भी कर सकते हो, तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको जरूर बताएगा कि आपको बुखार है या नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हैप्पी काइट फैमिली में जुड़ जाइए। इसी के साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आईडी हैप्पी काइट। सो टिल देन, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी काइट। बाय बाय।